हमारे साथ जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार विधान परिषद के सदस्य गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं। गुलाम रसूल बलियावी साहब का सिर्फ परिचय यह नहीं है कि ये विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के सदस्य हैं, बल्कि इनकी एक बड़ी पहचान यह भी है कि भारत में जो इदारा शरिया मुसलमानों का एक बहुत बड़ा संगठन है, उस संगठन के ये सदर हैं। और साथ साथ आप राष्ट्रीय कौमी इत्तेहाद मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। 11 से 12 स्टेट में इनका काम चलता है, लेकिन आज हम इनसे जो बात करेंगे पूरी तरह से सियासत पे बात होगी, और सियासत पे खासतौर पे 2020 के चुनावों के ताल्लुक से हम बात करना चाहेंगे। गुलाम रसूल बलियावी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। ये लोग एक सवाल कि जब सेकुलरिज्म और नीतीश कुमार का आपने इतना गुणगान किया, इतनी कई बातें बिल्कुल फैक्चुअल, तो सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले कृष्ण मेमोरियल हॉल में अल्पसंख्यकों की बैठक बुलाई थी आपकी पार्टी ने, पूरा हॉल खाली था, बिरयानी कहा गया कि बिरयानी बची की बची रहेगी। हमें हंसी आती है और ये एहसास भी होता है कि शायद चौथे स्तंभ ने कसम खा लिया है कि किसी एजेंडे के साथ काम करने वाली पार्टी या नेता की सिर्फ छवि बिगाड़ ली। ये मालूम करना चाहिए कि जो कृष्ण मेमोरियल हॉल में था वो मीटिंग राजस्तरीय नहीं थी, हाई बड़ी उन्होंने ले ली, वो हमारा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन था। तो एक जिला में 500-700 एक प्रकोष्ठ का अगर कार्यकर्ता है तो इसको हम नाकाम कहेंगे? एक सेकंड, वो हमारा जिला अल्पसंख्यक कार्यकर्ता सम्मेलन था, न राजस्तरीय सम्मेलन था, न आम सम्मेलन था। तो आप लेकिन कहना चाहते हैं कि मुसलमानों का आप देख लीजिए, बलियावी भी 5 डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, मंगवा लीजिए विजुअल, और बहुत दूर से नहीं, यही दुल्हिन बाजार से शुरू हो गया है, औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, बक्सर, भोजपुर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट गया हूं, फीडबैक मंगवा लीजिए। इसलिए ये भरम लोग अब निकाल दें कि हम नई जनरेशन को कोड़ा दिखा के वोट ले लेंगे, वो नहीं देंगे, अब वो नहीं देने वाला है। और मुसलमानों ने भी अब अपने आप को कुछ न कुछ सियासी तौर से शऊर बेदार किया है कि आखिर किसी को हराने के लिए हम कब तक जिंदा रहेंगे, अपने वजूद और अपने औलादों के मुस्तकबिल के लिए हम कब बटन दबाएंगे। क्या मुसलमानों को टिकट आपकी पार्टी 20% देगी? इससे पहले भी आबादी के हिसाब से सीट के अनुपात में मुनासिब नुमाइंदगी मिली थी, आगे भी मिलेगी। अगर नहीं मिली तो फिर हम आप नहीं मिलेगी तो फिर आप आइएगा, हम तो हाजिर ही हैं, हम भाग कहां रहेंगे। तो ये गुलाम रसूल बलियावी साहब थे जिन्होंने सियासत पे और कम्युनल वायलेंस पे बड़ी दिल खोल करके बात की और जंग की बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नौकरशाही.com का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए पोस्ट मिलते रहें।